जब भूत सताता है तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब राजनीति में लोगों को सताने लगता है तब ओम प्रकाश चालीसा पढ़ते हैं। तब बिना ओम प्रकाश का नाम लिए राजनीति बहुत लोगों की नहीं हो पा रही है, तो हनुमान चालीसा की तरह ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं। का भाजपा के ही नेता हैं और मंत्री भी हैं वो, अरे तो क्या दिक्कत है, अब किसी का कल्याण हो जाए अगर ओम प्रकाश चालीसा पढ़ने में तो क्या बुरा है। भाजपा तो ऐसे ही रूलिंग पार्टी है, क्या जरूरत पड़ गई आपकी चालीसा पढ़ने की। देश की राजनीति में ओम प्रकाश की जरूरत है। देश की राजनीति में, प्रदेश छोड़ दीजिए, इसी नाते लोग ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को भी पढ़ना पड़ेगा? सबको पढ़ना पड़ेगा। आंदोलन नहीं होता है, जब अभाव में व्यक्ति को भाव आ जाता है, जब सम्मान मिलने लगता है, इज्जत मिलने लगता है, तो अहंकार आता है। जब अहंकार आता है तो आदमी पतन की ओर जाता है। जिस व्यक्ति की चर्चा करें उससे खाली पूछेगा कि आपको नेता किसने बनाया, भारतीय समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। उनके द्वारा तो ये कहा गया इस सवाल पे कि जो उद्देश्य था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अब साथ नहीं रह गया था, इसलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। देखिए, जब वो बिल्ली को वो क्या कहते हैं, जब अंगूर नहीं मिला तो कहते खट्टा है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो कहती खट्टा है। इसी यही जगह है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ाया है ना, पूछिएगा कई रुपया लगाए थे, करोड़ों रुपया हम लोगों ने, लोगों से मांग जांच करके हम लोग लड़ाया, 6000 वोट से हार गए। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मेरे सीट पर था, हर नेता सोचता है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे, लेकिन मैं उनकी सीट पे कार्यक्रम करवाया, इस नाते कि नेता है भाई, जीत जाएगा तो एक नेता स्थापित होगा। फिर उसके बाद विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव आया, फिर लोकसभा का चुनाव किसने दस्तखत करके दिया था ये भी फार्म, ओम प्रकाश राजभर ने लड़ाया। कुल चुनाव वही लड़ेंगे, बिच्छेलाल नहीं लड़ेंगे, बिच्छेलाल भी तो राजभर हैं, पार्टी में डॉक्टर संतोष पांडे हैं, पार्टी में सुनील सिंह हैं, कृष्णमोहन सिंह हैं, पार्टी में राजेश चौहान हैं, और लोग हैं। ठीक है, ये तो हो गई बागी नेता की बात। भाजपा के कैबिनेट मंत्री आए हुए थे और उन्होंने भी मऊ में आपके बारे में कहा और ये कहा कि वो झूठे हैं, मक्कार हैं। सही कहना,